रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, अपना खुदा है रखवाला, अब तक उसी ने है पाला। Well, hello friends, welcome to another episode of Bollywood This Week. Friends, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं बिग बॉस सीजन 12 का एपिसोड नंबर 96। मेहनत लगती है 96 एपिसोड्स देखने के लिए, 1 घंटा अपने काम धंधे से टाइम निकालकर, वीडियोस देखकर, आपको 1 घंटा रिव्यू देखकर अपलोड करने के लिए। लेकिन गाइस, जब आप लोगों के लाइक्स आते हैं और कमेंट्स आते हैं, व्यूज तो सबको मिलते हैं, लेकिन इतने ज्यादा लाइक्स और जब कमेंट्स आते हैं तब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल लव एंड सपोर्ट। बहुत कम दिन बचे हैं, आप लोग प्लीज अपने कंटेस्टेंट्स को वोट दीजिए। चलिए गाइस, आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, केड़ो हाल है, कसकाय, नमस्ते एंड वेलकम टू एपी फिश प्रेजेंट्स बिग बॉस सीजन 12 पावर्ड बाय ओप्पो F9 प्रो। इतने एपिसोड्स बीत गए, आपने एपी फिश पिया नहीं? पिया जरूर पीजिए। ओप्पो F9 प्रो को अगर टेस्ट नहीं किया तो टेस्ट कीजिए, इसके सेल्फीज बहुत अच्छे हैं। और सेल्फीज में एक नया फीचर है, ब्लर द बैकग्राउंड। जाइए अपने नजदीकी ओप्पो आउटलेट में जाके चेक कीजिए, इट्स एन अमेजिंग फोन। चलिए गाइस, आज के एपिसोड शुरू करते हैं। रोमिल चौधरी, एक बोलते हैं ना कि इंसान को शर्म होती है, एक शर्म होती है, ये अलग ही शर्म है। आई मीन, इतनी वाट अगर स्कूल में किसी के बच्चे की लगाई जाती थी, क्योंकि स्कूल में है ना यूजुअली कुछ किस्म के बच्चे होते। एक टीचर, कैन आई गो टू पॉटी, टीचर कैन आई गो टू सुसु, टीचर कैन आई गो टू नंबर 3। तुम लोगों को पता है नंबर 3 क्या होता है? नंबर 1 सुसु, नंबर 2 पॉटी, नंबर 3 वॉमिटिंग। रोमिल चौधरी उन बच्चों में से है जो सूटे खाने के बाद भी अपनी नींद की आदत नहीं छोड़ता। आज वो बंदा पूरे घर के बीचों बीच गार्डन एरिया में कैसा बैठा पता है? मन्ने तो नहीं सो रू, झूठा इल्जाम लगा रू। भाई तेरे को नींद किस चीज की कमी है? हाँ, तू क्या कमसिन कन्या है? हाँ, 19-20 साल की महिला है, तेरे को इतना नींद आती है घर में? हाँ सीरियसली, आज रोमिल चौधरी ने सारी हदें पार कर ली। एंड गाइस, कल वीकेंड के वार पे आने वाले हैं ओ लड़की आंख मारे आंख मारे, ओ लड़की आंख मारे, रणवीर बाबा साथ में खतरों के खिलाड़ी। जितने लोग चाहते हैं कि बिग बॉस के बाद मैं खतरों के खिलाड़ी का रिव्यू करूं, कमेंट सेक्शन में लिखो। अगर ज्यादा कमेंट्स आए तो मैं उसका रिव्यू करूंगा, आप लोगों को ऐसे बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। एंड द सिजलिंग सेंसेशन, वाओ मैन, सारा अली खान, द डॉटर ऑफ सैफ अली खान एंड द सिस्टर ऑफ ताई ताई तैमूर अली खान। कल का एपिसोड फाड़ होने वाला है। सलमान खान करण जौहर की मूर्ति खड़े रख के पूछ रहा है, करण जौहर रणवीर सिंह बना है, यही है? सलमान भाई पूछते हैं, करण जौहर कितने लोगों को अब तक तुमने बोला है कि तुम्हारी पैंट की जिप खुली हुई है? कल का एपिसोड बहुत मजा आएगा। ऐसी फिल्मों का प्रमोशन होना चाहिए बिग बॉस पे, ना ही के ऑल सॉर्ट ऑफ रबिश मूवीज। चले गाइस, शुरू करते हैं रोमिल चौधरी। हाँ रोमिल चौधरी, तुम आज सोते हुए इस घर में दिखाई दिए, तुमको बहुत बुरा लगा, चलो ठीक बात है। यह बंदा तारे जमीन का दर्शिल सफारी है, दर्शिल सफारी। देखो इन्हें पत्थर के बूंदे, वो संडास में सोता था, तू भी संडास में सोया, पर संडास में छोटे बच्चे सोते, तू इतना बड़ा आदमी होके सो रहा है? हाँ बिग बॉस मस्त कुकड़ू कु। देखो रोमिल चौधरी, तुम संडास में नहीं सो सकते। कौन? अपनी घाटक की ए पगली सुरभि राणा, उसको बोलते हुए दिखाई दी, वो काफी अच्छा लगा। लेकिन गाइस, यहां पर जो मजे लेने वाले लोग हैं इस घर में, ऑब्वियसली आज ऐसा लगा कि डाबर आमला का 150 ml की तेल की बोतल उंडेल के अपने सर पे डबल पोनी चोनी बनाकर। करणवीर बोला, डबल पोनी क्यों बनाता रे मेरे भाई, तू तो गधा है क्या? अरे कितना आंख में से खून निकलता है देख के, वो यार हंस रहा है।
दीपक हंस रहा है, संडास में सो रहे हैं रोमिल जी। और रोमिल बाहर निकलता है और जिस तरह देखो गाइस यहाँ पर गरीबी की संख्या बहुत कम है, शैम्पू लोगों को नसीब नहीं होता, लोग लाइफ बॉय से सर धोते हैं अपना, फेस वॉश हाँ, पानी नहीं है लोगों के घर में राजस्थान में हाँ, फेस वॉश उसके बाद मुंह पे लगाने का क्रीम, एक गरीब इंसान जो बेचारा काला है हाँ, वो फेयरनेस क्रीम खरीदने से पहले 10 बार सोचता है 40 रुपए की हाँ, कि 40 रुपए में वो प्याज टमाटर हरी मिर्ची कोतमीर खरीदे कि फेस क्रीम खरीदे। यहां पर रोमिल चौधरी तेरी औकात क्या है, तू यहां पर वो सारी चीजें उठा उठा के अपने हाथ से फेंक रहा है हाँ, तू गधा। बहुत सीजन पहले कुछ लोगों ने प्याज टमाटर स्विमिंग पूल में डाले तो आज उससे नीच हरकत रोमिल चौधरी ने यहां पे की है। अबे तेरे पैसे का नहीं है ना इसे तू फेंक रहा है उठा के, बिग बॉस की प्रॉपर्टी नष्ट कर रहा है। मैं तो होता साले को नॉमिनेट वैसे ही हो पहले हाँ, गंदी हरकत गिरी हुई हरकत। रोमिल चौधरी तू क्या कर रहा है भाई, एक टाइम पे तू टॉप 3 में था लेकिन आज तूने सब इज्जत खो दी है। लेकिन गाइज यहां पर रोमिल चौधरी चलो गेम में, यहां पर मन्नू पंजाबी हाँ, मन्नू पंजाबी तू घर में क्या कर रहा है मेरा भाई। आई वॉज शॉक्ड टू सी दैट जोकर मन्नू पंजाबी द मोस्ट बायस चूतिया ऑन यूट्यूब गोइंग इन साइड द हाउस हाँ। मैं उसको ब्लू कुर्ता पहना के सूट पहना के अंदर बैठा, प्रीतम वो छगन रेडियो का, अरे एजाज खान मर गया क्या, अरमान कोहली है, कमाल आर खान है, विंदु दारा सिंह है, डॉली बिंद्रा है, राखी सावंत है, एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट्स कुशाल टंडन द टॉप 10 सेक्सीएस्ट मैन इन एशिया हाँ, गौहर खान नहीं, लेकिन हमको मन्नू पंजाबी चाहिए जो यहां पर बिग बॉस की रिव्यूज करता है बैठकर, भूरी आंख कभी नीली आंख कभी पीली आंख, इरिटेशन एट इट्स बेस्ट। ये दोनों चमन लोगों को अंदर से लाने से अच्छा ना मेरे बिल्डिंग के नीचे राम अन्ना और श्याम अन्ना जो टमाटर प्याज बेचते ना उनको बिठा देना चाहिए था वहां पर हाँ, फालतू पना। यहां पर अकॉर्डिंग टू मन्नू पंजाबी ही विल डिसाइड हु विल गो टू कालकोठरी और नॉट। अरे सीरियसली सिकनिंग, वी विल टॉक अबाउट दिस गाइस हाँ। इस बंदे ने मन्नू पंजाबी ने मेरे को बोला था मैं अगर गाली देने पे आऊंगा ना तेरे कान में से यहां से गाली निकलेगा ऐसे खून निकलेगा। ऐसे आदमी को बिग बॉस के मंच पे लाके रख रहे हो तुम लोग, भाई तेरा पीआर बहुत मजबूत है लोखंड वाले में, जिसने तेरे को वापस से लोनावला का रास्ता दिखाया, मान जाता हूं तेरे पीआर को, कसम से बोल रहा हूं। लेकिन गाइस यहां पर चलो कहानी आगे बढ़ाते हैं, यहां पर पूछा जाता है कि पहला इंसान जो काल कोठरी में जाएगा कौन इस घर में सबसे ज्यादा डबल फेसिड कैरेक्टर है। सबसे पहले सब लोग यू नो केवी रोमिल का नाम लेते हैं, कहते हैं कि रोमिल फेक है, और वहां पर भी मन्नू श्रीशांत तो दीपिका को टारगेट करता है। अगर तू अपने चैनल पर टारगेट करना, वहां जाके अपनी क्यों फालतूगिरी करता है, बोलते हैं देखो 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 श्रीशांत और दीपिका एकदम चुपचाप बैठे हैं यही इनका काम है। अगर तो भाई उनका टर्न आएगा तब वो बात करेंगे ना, कि बिना किसी मतलब के बात कर दे हैं। यहां पर सुरभि बोलती है कि करणवीर बहुत ज्यादा चाचूगिरी करते हैं, दीपक भी करणवीर का नाम लेता है। और गाइस जब शीशान का टर्न आया मन्नू जोकर क्या बोलता है पता है, अभी दीपिका जी ने करणवीर का नाम लिया ना तो उसका भाई बहन की बात सुनेगा। लिटरली स्पीकिंग ऐसे बायस्ड इंसान को घर में तुम लोग एज अ जज भेज रहे हो बिग बॉस, सीरियसली लास्ट 9 डेज टू गो हैं, रिडिक्युलस। और प्रीतम हिंदी स्कूल का मास्टर बनता है, व्यक्तित्व व्यंग प्यंग हैं, उसके बाद लेकिन रोमिल चेंज करता है, वो बोलता है मैं करणवीर का नाम लेना चाहता हूं। अब बेचारा अनफॉर्चुनेटली करणवीर, बिग बॉस आई विल नॉट गो इनटू द हाउस, बिग बॉस बोलते हैं हम चाहते हैं करणवीर आप जेल में चले जाए। वो अच्छा था करणवीर की काफी हेकड़ी उतर गई वहां पर। लेकिन गाइस यहां पर जहां पर करणवीर को जेल की सजा का कार्य हुआ वहां पर रोमिल और दीपक काफी हंसे गए, बहुत अच्छा लगा देखकर यहां पर करणवीर का पूरे पूरे तरीके से पोपट हो गया। लेकिन गाइस यहां पर सोमी खान,
यस मेरा भाई, जब भी सोमी खान आती है यहां पर हमेशा मेबलिन का जो एड रहता है वो नीचे जगमगाता है। क्यों? क्या सोमी खान मेबलिन लगाती है? तो गाइज आज की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। सोमी खान 15 किलो मेबलिन का कॉम्पैक्ट, 15 किलो मेबलिन की लिपस्टिक लगाती है, और आज के एपिसोड में तो वो दिखाई ही नहीं दिए। फिर से मनु पंजाबी और प्रीतम आ जाते हैं। अब वो कहते हैं कि यहां पर जो सबसे ज्यादा बदतमीज इंसान है उसको वोट करो। तो करणवीर बेचारा जेल चला गया है और मन्नू यहाँ पे हिंदी में ज्ञान देना शुरू करता है। सोमी बोलती है सबसे ज्यादा है ना श्रीशांत ने करणवीर के फादर को अब्यूज किया है, इसलिए मैं चाहती हूं कि करणवीर की जगह पे श्रीशांत वोट हो जाए। हाँ? फेक व्यक्ति, कब श्रीशांत ने करणवीर के फादर को अब्यूज किया बताओ मेरे को जरा। हाँ कब उसने बोला कि तेरे बाप की औकात तेरे से ज्यादा है? वो मैंने तो नहीं सुना भाई, जितने लोगों ने सुना आई डोंट नो हु हैज लिसन टू दैट। और गाइस यहां पर वो कहते हैं कि यू नो, प्रीतम थोड़ा दिमाग चला के बोलता है शीशांत की लेगेसी देखो, शीशांत कितना बड़ा आदमी है। हाँ शीशांत कहाँ से आया है, किन किन चीजों को झेल कर आया है। तुम लोग शीशांत के व्यक्तित्व पर यू नो लालचन लगा रहे हो, कहां से आया है उसके व्यक्तित्व पे तुम लोग लालचन लगा रहे हो। यहां पर मुझे यू नो प्रीतम की बात काफी अच्छी लगी मुझे, क्योंकि गाइस शीशांत जैसे इतने बड़े व्यक्ति पर आरोप लगाने से पहले थोड़ा लोगों को सोच लेना चाहिए। यहां पर सूरभि का भी नाम आया कि सूरभि यहां पे सबसे बदतमीज है। अब सूरभि का नाम किसने लिया? दीपक का। दीपक बोलता है सूरभि राणा तुमने तो बीच की उंगली दिखाई थी। दिखाई थी क्या? नहीं। शीशांत भी सूरभि का नाम लेती है। अनफॉर्चुनेटली सूरभि जेल चली जाती है। उसने तो आज भाई लेजेंडरी बकचोदी की है, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या की है वहां पे। यहां पर थर्ड जो जाएगा जेल में वो होगा इस घर का सबसे इरिटेटिंग कंटेस्टेंट। यहां पर सब लोग दीपक का नाम लेते हैं। दीपक बेचारा इरिटेटिंग नहीं है, बदतमीज मैं मानता हूं, लेकिन इरिटेटिंग नहीं है बंदा, काफी एंटरटेन करता है यहां पर। और यहां पर दीपक तीसरा आदमी रहता है जिसको सब लोग घर में यू नो काल कोठरी भेज देते। सो गाइस आज यू नो काल कोठरी में तीन लोग गए, करणवीर बोरा, सूरभि राणा, दीपक ठाकुर। लेकिन अकॉर्डिंग टू मन्नू पंजाबी एंड प्रीतम, वो लोग करणवीर बोरा को बाहर बुला लेते हैं। वाह मेरा भाई, अब आज के एपिसोड का हाईलाइट पॉइंट, यू नो आई एम अलोन, पीपल अब्यूजिंग द फैमिली, फैमिली इज इन द ट्रबल, ट्रबल इज माई ब्रदर, ब्रदर इज माई मदर, व्हाई यू आर डूइंग दिस? बिग बॉस चाहते हैं सूरभि राणा इंग्लिश में बात करें। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बिग बॉस, आई एम ना, आई डोंट वॉन्ट नींबू पानी, आई एम नॉट अ कंटेस्टेंट, आई एम बींग अब्यूज। बिग बॉस चाहते हैं सूरभि राणा हिंदी में बात करें। अरे मेटा सीन ऑफ दिस सीजन, सूरभि राणा जब तुमको बोल रहे हिंदी में बात करने के लिए, हाँ तुम क्या आईसीएससी इंटरनेशनल धीरूभाई अंबानी टाटा अंबानी स्कूल की लेक्चरर हो जो इंग्लिश में ज्ञान पे? इंग्लिश ऐसा इंग्लिश, आय हाय हाय, दिक्कतें दिक्कतें सूरभि राणा। और बिग बॉस भी मजे ले रहा है, हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो। वेल फ्रेंड्स आज का एपिसोड इंटरेस्टिंग इसीलिए था, ये मन्नू पंजाबी जैसे चिरकुट लोग इस शो में आए थे, और यू नो काल कोठरी में कुछ बेचारे नाहक लोग अंदर चले गए थे। रोमिल जो सोते हुए पकड़ा गया था उसकी तो वाट कल लगेगी, लेकिन गाइस कल का एपिसोड मिस मत करना, क्योंकि आला रे आला सिम्बा, आला सिम्बा आ रहा है कल। रणवीर सिंह मेरा भाई, रोहित शेट्टी एंड वाओ मैन की बेटी सारा अली खान, वीकेंड का वार विद सलमान भाई मेरी जान। ओके गाइस आई होप आज का एपिसोड आपको पसंद आया। आज का दिन काफी हेक्टिक गया है गाइस। आज KGF रिलीज हुई है, अगर आपने KGF नहीं देखा है यहाँ पे यू नो लिंक दे रहा हूँ KGF के रिव्यू का, KGF देखिए, इट इज एन आउटस्टैंडिंग मूवी। यश जो नया लड़का है वो छाने वाला है, जरूर KGF का रिव्यू देखिए। ये एपिसोड पसंद है लाइक करो, शेयर करो, बहुत कम दिन बचे हैं, दीपक को वोट करो, श्री को वोट करो, दीपिका को वोट करो, पता नहीं दीपिका भी जीत सकती है, लेकिन मेरे टॉप टू श्रीशांत एंड दीपक ठाकुर का टक्कर होगी, और करारा जवाब मिलेगा, जो भी जीतेगा करारा जवाब देगा। फिनाले के लिए बहुत बड़ी बड़ी चीजें प्लान्ड है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, गुड नाइट, लव यू ऑल।